अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने दराज़ वेबसाइट से कैडी बाय की थी सेकंड हार्ड ड्राइव के लिए, लैपटॉप के साथ लगाने के लिए। फ्रेंड्स, दो साइज़ में कैडी मिलती है, एक 9.5 mm वाली और एक 12.7 mm वाली। मुझे पता नहीं था कि जो मेरे लैपटॉप का डीवीडी रूम है वो यानी कि 12.7 mm वाला है, और मैंने ऑर्डर कर दिया 9.5 mm वाली कैडी। तो फिर भी मैंने इसको जुगाड़ लगा कर फिट कर लिया था लैपटॉप में, और बिल्कुल सही वर्क कर रही है माशाल्लाह से। दोनों में यानी कि मोटाई का थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी यानी कि जो साइज़ है दोनों का वो सेम है। तो ये देखें फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इसमें आप SSD हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं और HDD हार्ड ड्राइव भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास HP का G6 लैपटॉप है फ्रेंड्स, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि आपने किस तरह उसमें फ़िट करना है कैडी को। फ्रेंड्स, आप कैडी बाय करने से पहले अपने लैपटॉप का जो DVD रूम है ना, क्योंकि ये DVD रूम वाली जगह पर फ़िट होगा और बहुत इजीली हो जाता है, तो आप पहले ये कंफर्म कर लेना कि आपका जो साइज़ है DVD रूम का वो कौन सा वाला है, 12.7 mm वाला है या फिर 9.5 mm वाला। साइज़ दोनों का सेम है, यानी कि सिर्फ मोटाई का थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी प्राइस जो है वो 325 रुपये इसकी प्राइस है, और होम डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो 69 रुपीज़ लगे हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ इन्होंने चार पेज दिए हुए हैं। मुझे लगा था कि ये इतनी अच्छी नहीं होगी, MEC होगी। फ्रेंड्स, इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, यानी कि अगर आप वायर के साथ हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, तो उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ नहीं होती जितनी आप लैपटॉप के अंदर दो हार्ड ड्राइव यूज़ करेंगे तो जितनी ज़्यादा तेज़ उसकी स्पीड होती है। तो यहाँ पर हार्ड ड्राइव लगेगी। अभी मैं आपको इसकी लुक दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और जो चैनल पर नए आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल भी सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर देना। मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ।